बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करकर हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। हम लोग बेसिकली क्लास 12 के चैप्टर 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के चेन रूल का उपयोग करें। हमारे पास क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस डी, ऐसा ही एक फंक्शन दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करना है। आप ध्यान से देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या है, fx इक्वल टू साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस cx प्लस डी। तो ऊपर न्यूमरेटर में एक फंक्शन है fx और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है हमारा gx, और तो ये कोसेंट के रूप में है। यहां हमको सबसे पहले कोसेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोसेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यदि आपका डिफरेंशिएशन इस तरह का हो, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी, दो फंक्शन है u बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले नीचे जो फंक्शन दिया गया है वी, इसका होल स्क्वायर करेंगे, वी का होल स्क्वायर, ऊपर वी को लिखेंगे, फिर अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे जो बचा हुआ u फंक्शन है u विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड देन माइनस, अब इसको उल्टा कर देंगे, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कोसेंट रूल कहलाता है। इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में। यहाँ हमारा फंक्शन यू के जगह पर है साइन एक्स प्लस बी, ये है हमारा यू, इसको समझ लेंगे यू, और नीचे यहाँ पर है भी है हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको इस तरह सब लोग समझ लेंगे। अब इसको रूल अप्लाई करेंगे तो नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर, फिर इसी फंक्शन को ऊपर लिख दिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, अब इसमें इंटू हो गया, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला जो फंक्शन है साइन एक्स प्लस बी, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग अब डिफरेंशिएट करेंगे, देन माइनस, अब माइनस करेंगे और इसी प्रोसेस को उल्टा कर देंगे, माइनस इस बार साइन एक्स प्लस बी को छोड़ देंगे इंटू, फिर उसमें हो जाएगा इंटू, अब डिफरेंशिएट करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी को एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको आप एज इट इज लिख दें, पहला कॉस सी एक्स प्लस डी उसको एज इट इज लिखिए इंटू, अब साइन एक्स प्लस बी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों एक्स प्लस बी और यहाँ एक्स है दोनों अलग अलग है, तो इसको हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल के लिए क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन को सिमिलर बना देंगे, साइन एक्स प्लस बी उसको करेंगे एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, अब ये जस्ट लाइक हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हमको साइन एक्स प्लस बी को सबसे पहले एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, जब आप डिवाइड किए एक्स प्लस बी से तो आप इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करेंगे, एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही काम आप दूसरे तरफ करेंगे, माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसी चीज को फिर से देखिए, अब कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्लास 11th में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला है साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और एक्स के बदले में है हमारा यहाँ पर ए एक्स प्लस बी इंटू, अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन में एडिशन रूल है, एडिशन रूल का मतलब दो फंक्शन यहाँ पर एड है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए दोनों फंक्शन को हम लोग बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस, अब नेक्स्ट स्टेप है साइन एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ दोनों फंक्शन सेम हो गया, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं माइनस, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, अब फिर सी एक्स प्लस डी, अगेन यहाँ पर सेम रूल, दो फंक्शन यहाँ पर एड किया गया है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बारी बारी से दोनों फंक्शन को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और टोटल में आपको डिवाइड करना है, यहाँ देखिए टोटल में यहाँ डिवीजन है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसलिए टोटल डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब आप जानते हैं कि यदि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई है और टोटल का डिफरेंशिएशन निकालना है तो कांस्टेंट को आप बाहर कर देंगे, ए को आप बाहर कर दिए, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वन, तो ए इंटू वन ये हो गया आपका ए,
प्लस बी यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। यहाँ ये माइनस और ये माइनस जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में आया दोनों माइनस मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। देन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू अगेन फिर से सेम रूल, यहाँ सी कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, यहाँ एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया गया सी इंटू वन यहाँ पर सी, और प्लस डी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो, ये पार्ट हो गया जीरो। और टोटल को डिवाइड करना है, देखिये टोटल को यहाँ डिवाइड करना है कॉस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर से टोटल में डिवाइड करेंगे, या इसको आप सेपरेट सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल में आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको क्यों किया गया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके अब आंसर लिखने वाले हैं। अब जैसे ही दोनों को सेपरेट सेपरेट करते हैं, आप देखिए कॉस एक्स प्लस डी ऊपर में और यहाँ में यहाँ दो बार कॉस एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर है, एक कॉस एक्स प्लस डी को आप कैंसिल कर दिए, फिर भी एक कॉस एक्स प्लस डी यहाँ बच गया, तो वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस डी ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। इसके अलावा ऊपर में क्या है, यहाँ पर ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस डी ऊपर जाकर लिखा गया, इसको सेक सी एक्स प्लस डी, फिर प्लस यहाँ पर सी, उसके बाद आपका साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज लिख दिया गया, साइन सी एक्स प्लस डी में एक सिंगल कॉस सी एक्स प्लस डी से डिवाइड किए और फिर भी एक कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पर छूट गया, तो जब एक साइन में कॉस से डिवाइड किए तो आपका बन गया टेन, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स ये बन गया टेन एक्स, तो टेन और एक्स के बदले में है सी एक्स प्लस डी, फिर भी चूंकि यहाँ स्क्वायर है एक कॉस बच गया है, वो कॉस वन डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी वो आपका बन गया ऊपर चला गया, तो कॉस ऊपर जाने से हो गया सेक सी एक्स प्लस डी, ये बन गया आपको, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5.2 को यूजिंग चेन रूल एंड डिफरेंट फॉर्मूला, जैसे कोसाइन रूल का यूज करना पड़ा, फिर एडिशन रूल का यूज करना पड़ा, डिफरेंट रूल्स को अप्लाई करके आप क्लास 12 के चैप्टर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी चैप्टर के एक और क्वेश्चन को लेते हैं चेन रूल से बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करते हैं। 7 में हमारा दिया गया फंक्शन एफ एक्स बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर दिया गया और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले आप इस फंक्शन को पहचाने, यहाँ कितने फंक्शन है, यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन, ये फंक्शन हो गया एफ एक्स, एक फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन एक, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट, ये हो गया जी, एफ के अंदर में जी हो गया, फिर जी के अंदर में पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यहाँ एफ के अंदर में जी, जी के अंदर में एक्स, अर्थात यहाँ तीन फंक्शन है और तीन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग चेन रूल में हम लोग करते हैं एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, हमको डिफ्रेंशिएट करना है टू इंटू, यहाँ पर टू पूरे स्क्वायर में मल्टीप्लाई है, इसलिए इस टू को हम लोग क्या करेंगे, रूल हम लोग जानते हैं कॉन्स्टेंट यदि फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिए, टू को बाहर कर दिए और बाकी आपको रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कॉट एक्स का जब भी डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और रूट अंडर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है, अर्थात रूट के अंदर में सबसे पहला जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसके अंदर जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, दोनों को सेम करना होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स का पावर 1/2, और यहां हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये 1/2 आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स का पावर में आप 1/2 - 1 करेंगे, 1/2 - 1 करेंगे तो 1/2 में से 1 जैसे ही माइनस होगा तो यह आ जाएगा -1/2, ये एक्स का पावर -1/2 ऊपर में है न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे इंटू में है 2 इंटू एक्स का पावर जो माइनस में था वो नीचे आने से हो गया 2 इंटू एक्स का पावर 1/2, और एक्स का पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। तो अब आप यहाँ पर आ जाए, डिफ्रेंसिएशन करना है आपको रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर को, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, अब ये जस्ट लाइक हो गया रूट अंडर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही आप डिवाइड कर रहे हो डी कॉट एक्स स्क्वायर उसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा डी कॉट एक्स स्क्वायर, अगेन कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़े हम लोग माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसलिए यहाँ दोनों हमको फंक्शन को सेम करना होगा, इसलिए कॉट एक्स स्क्वायर का जब भी डिफ्रेंसिएशन होगा
कि हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि कॉटेक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11 में इसको हम लोग पढ़े हैं। इसलिए जैसे ही हम एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे डिवाइड किया तो उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला है इसलिए चेन रूल यहीं पर जाकर आपका स्टॉप कर जाएगा। अब आइए फॉर्मूला से 2 रूट अंडर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़े 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स के बदले में यहाँ पर है हमारे पास कॉट एक्स स्क्वायर, इसलिए कॉट एक्स स्क्वायर लिखी इनटू। अगला है कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला यहाँ पर मेरे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के बदले में क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है 2x। अब इसको सॉल्व कीजिए 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में आ गया माइनस 2x इनटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करके बुक में जो आंसर दिया है उस रूप में आप ला सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ये 1/sin² x² हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ गया माइनस 2x, डिनोमिनेटर में हो गया sin² x², और रूट अंडर कॉट एक्स कॉट एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं रूट अंडर में ही कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, तो दो रूट में अलग अलग करके लिख दिए। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब 2 × sin² × sin² मल्टीप्लाई, एक बार साइन एक्स स्क्वायर को आप छोड़ दें और दूसरी बार जो साइन एक्स स्क्वायर है उसको और इस रूट वाले को कैंसिल कर दें, साइन एक्स स्क्वायर और रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होने के बाद इसके जगह पर लिख दिया गया रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, बाकी चीजों को एज इट इज कॉपी किया गया माइनस 2x, यहाँ डिविजन में साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर हो गया रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, और फिर पहले से रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर पहले से। अब इसमें आप अपने मन से क्या करें कि रूट अंडर 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे रूट अंडर 2 से, इससे फायदा क्या होगा कि ऊपर में आ गया माइनस 2√2x माइनस 2√2x और नीचे आ गया साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ 3 रूट है, एक है रूट अंडर में साइन एक्स स्क्वायर, एक है रूट अंडर में कॉस एक्स स्क्वायर और एक है रूट 2, तीनों को एक रूट में लिख सकते हैं, तीनों इंटू में है मल्टीप्लीकेशन में है, एक मल्टीप्लीकेशन में आ गया रूट अंडर 2 sin² × cos² हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin x × cos x, 2 sin x = sin 2x, एंगल x का डबल हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास उसी तरह का चीज है 2 sin x² × cos x², इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर का डबल हो जाएगा तो रूट अंडर में रह गया sin 2x², तो फाइनल आंसर आ गया -2√2x/sin x² इंटू, यहाँ कुछ नहीं लिया लिखा गया मतलब इंटू है जस्ट पोजिशन, इसको बोलते हैं रूट अंडर sin 2x². इस तरह से डिफ्रेंसिएशन का यूज करके आप चैप्टर 5.2 के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत से कंपटीशन में और आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।